हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल दीवान ट्यूटर पर। आज हम रीजनिंग के चैप्टर गणितीय संक्रियाओं पर बात करेंगे। आपके पास डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि मल्टीप्लाई का मीन है डिवाइड, माइनस का मीन है मल्टीप्लाई, डिवाइड का मीन है प्लस एंड प्लस का मीन है माइनस, तो चलो हम लिख लेते हैं। सर्वप्रथम मल्टीप्लाई का मीन है अपने पास में डिवाइड, माइनस का मीन है अपने पास में मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मीन अपने पास में प्लस, एंड प्लस का मीन अपने पास में माइनस। अपने पास में सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है 3 -15 डिवाइड 19। मल्टीप्लाई 8 + 6, तो हम इसको लिखते हैं 3। माइनस का क्या दिया हुआ अपने पास में, मल्टीप्लाई दिया हुआ ना, तो मल्टीप्लाई 15 15। अभी यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का अपने पास में है प्लस, प्लस का हो गया अपने पास 19। अभी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दिया। फिर 8 + का क्या हो रहा है अपने पास, माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 6। इसको कर लो, नति 45 + 8 - 6। अभी 45 और 19 को प्लस करेंगे हम, तो 45 + 19 कितने होते हैं, कितने हो रहे हैं, 64 ना, 64 डिवाइड 8 - 6। अभी इनको किया तो 8 - 6 हमारा आंसर आ रहा है 2। ये अपना राइट आंसर होगा। इसमें दिया हुआ है विषय क्वेश्चन में, यदि प्लस का अपने पास हो मल्टीप्लाई, माइनस का हो अपने पास डिवाइड, और मल्टीप्लाई का हो माइनस, और डिवाइड का हो प्लस, तो वैल्यूएशन याद करनी है हमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, क्वेश्चन दिए क्या दिया हुआ है, 26 + 74 - 4 × 5 डिवाइड 2। ठीक है, अभी हम इन्हें 26 + का क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 74, माइनस का क्या दिया अपने पास, डिवाइड, और मल्टीप्लाई का क्या है, माइनस 5, डिवाइड का क्या हो जाएगा, प्लस 2। 26 74 को नहीं कर सकते, पहले हमें ये याद करना पड़ेगा। 26 × 74, ये गया 2 से 37, ये 2 2 को इधर किया 13, आगे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, तो अपने पास आ रहे हैं 481 -5 + 2, पहले प्लस करेंगे हम इसको 483, अभी -5, हमारा आंसर होगा 478। राइट आंसर हमारा ये होगा।
तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ अपने पास P का डिवाइड, Q का दिया हुआ अपने पास में मल्टीप्लाई, R का दिया हुआ है प्लस, और S का दिया हुआ अपने पास में माइनस। संख्या दी हुई है हमारे पास 18। Q का क्या है, Q का होगा अपने पास में मल्टीप्लाई, 12 का क्या होगा, 12 है P, P का क्या हो रहा है डिवाइड, ठीक है, बिफोर R का क्या हो रहा है प्लस, फिर 5, S का क्या हो रहा है हमारे पास माइनस 6, इसकी वैल्यूएशन हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी 18 ये हो गया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई किया तो 4 से किया इसको तो 3, फिर प्लस 5 माइनस 6 हो गया, अभी 18 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 54 प्लस 5 माइनस 6 59 होते हैं, 59 में से 6 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 53, हमारा राइट आंसर होगा इसका 53। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी पी प्लस को क्यू माइनस को आर डिवाइड को और एस मल्टीप्लाई को व्यक्त कर रहे तो, संख्याएं दी हुई है इनका वैल्यूएशन करना है हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी किसको कर रहा है प्लस को कर रहा है, क्यू किसको कर रहा है माइनस को कर रहा है, आर किसको कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और एस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अभी क्या संख्या है हमारे पास में 18, एस का क्या दिया हुआ है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर किया अभी 36, 36 आर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किया यहाँ पे अभी 12 है, क्यू का क्या हो रहा है माइनस 6, पी का क्या हो रहा है, पी का हमारे पास में प्लस हो रहा है 7, एटीन का 18 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड करेंगे 3 से हो गया माइनस 6 प्लस 7 है, अभी 18 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 54 माइनस 6 प्लस 7, प्लस करो प्लस करते हैं तो आएगा अपने पास में 61 माइनस 6, हमारा आंसर होगा 55, राइट आंसर है हमारा 55, 5 5, 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेन का अर्थ मल्टीप्लाई हो, यू का अर्थ डिवाइड हो, या कम का अर्थ माइनस और विल का अर्थ प्लस हो तो, संख्या दी हुई है हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, वेन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यू का क्या दिया हुआ है यू का डिवाइड है, कम का माइनस है हमारे पास, विल का प्लस, संख्याएं दी हुई है हमारे पास में 8, वेन वेन का क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, बाद में 12 है, विल विल का क्या है प्लस, बाद में 16, यू का क्या दिया हुआ है हमारे पास डिवाइड, 2 कम का क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ये 10 हो गया, अभी यहाँ पे कर लो 8 मल्टीप्लाई 12 है,
इसको किया एट, ये हो गया 10 का 10, ये होता 96 प्लस 8 माइनस 10 कितना हो रहा है 104 माइनस 10, हमारा आंसर आएगा 94। राइट आंसर हमारा 94।